पहला जो थीम है वो है आपका थीम ऑफ सैडनेस है और थीम ऑफ लव है, क्योंकि और सीन हो जहाँ पे परेशान है और म्यूजिक सुन रहा होता है, तो इस वजह से इसमें थीम ऑफ सैडनेस भी है, थीम ऑफ लव भी है। और यहाँ पे देखें, जब ये ओलिविया जो है वो अपने भाई के डेथ पे मौन कर रही है, तो इस वजह से वो रिजेक्ट कर देती है और सीनों के प्यार को, तो ये थीम ऑफ रिजेक्शन आ गया इसमें। अब उसके बाद है आपका जी थीम ऑफ प्रिटेंशन के बहानेबाजी करना, प्रिटेंड करना कि जो ओलिविया है अपने भाई की मौत पे मौन कर रही है और वो 7 सालों तक शादी करने का का फैसला कर लिया उसने, तो ये प्रिटेंड कर रही है कि इसको अपने भाई के साथ, ओलिविया को अपने भाई की मौत का बहुत ज्यादा सदमा है और ये इसे बहुत ज्यादा अफसोस है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि जब सिजारी उसे मिलती है तो ये फौरन ही प्यार कर मतलब इसे प्यार हो जाता है और उसे डिमांड करती रहती है कि तुम मुझसे शादी करो। अब उसके बाद नेक्स्ट है थीम ऑफ सेपरेशन, जब जहाज जो है ना तबाह हो जाता है तो बहन भाई यानी वियोला और सेबेस्टियन आपस में जुदा हो जाते हैं, और एम्बिग्यूटी इन करेक्टर में एम्बिग्यूटी भी है, क्योंकि सेबेस्टियन का नहीं बताया जाता, वियोला समझ रही होती है कि उसका भाई डूब गया है, लेकिन मजीद इंफॉर्मेशन उसमें स्टोरी में मौजूद नहीं होती, तो ये एम्बिग्यूटी एंड कैरेक्टर भी मौजूद है इसमें। अब नेक्स्ट हम देखते हैं और कौन सा थीम है, दी थीम ऑफ डिस्गाइज। वियोला यहाँ पे अपने काम ढूंढने के लिए और सीनों के पास जाने के लिए ये सिजारी बन जाती है, तो थीम ऑफ डिस्गाइज भी मौजूद है यहाँ पे, और थीम ऑफ जेंडर डिफरेंस इश्यूज भी है, यानी काम ढूंढने के लिए औरत को काम नहीं मिलते, तो इस वजह से वो मर्द बन के यानी सिजारे बन के वियोला जॉब हासिल करती है। अब उसके साथ है जो नेक्स्ट थीम है, वो थीम है मिस्टेकन आइडेंटिटी के हवाले से। ओलिविया सिजारियो से जब प्यार शुरू कर देते हैं तो ये असल में वो सिजारियो वियोला होती है, तो ये मिस्टेकन आइडेंटिटी की वजह से उसे उससे प्यार हो जाता है। अब उसके बाद ये है कि थीम ऑफ डिसेप्शन है, ओलिविया आस्क्स सिजारियो टू मैरी हर। ओलिविया जब सिजारियो को कहती है कि तुम उससे शादी कर लो, तो अब उसका जो भाई मरा था उसका अब उसे मोहर नहीं है या आप उसको उसका गम या सदमा नहीं है, तो ये थीम ऑफ डिसेप्शन जहाँ पे मौजूद है कि लोग करते कुछ हैं और दिखाते कुछ हैं। और इसके साथ है आपका नेक्स्ट थीम जो है वो है आपका थीम ऑफ मैडनेस है। थीम ऑफ मैडनेस में आप देखें तो ओलिविया जब मॉलवेली को समझ रही होती है कि ये येलो स्टॉकिंग में आ गया है और हर वक्त ऐसे प्राउड सा रहता है और सांसता रहता है और बताता कुछ नहीं, तो ये पागल हो गया, जो थीम ऑफ मैडनेस यहाँ पे मौजूद है। और उसके बाद है जी आपका थीम ऑफ मैडनेस और थीम ऑफ डिस्गाइज, यहाँ पे जो फर्स्ट है ये जोकर के खुद को डिस्गाइज कर लेता है एज अ प्रीस्ट, और यहाँ पे फिर मॉलवोली को इंसेन करा देता है, तो यहाँ पे थीम ऑफ मैडनेस भी है और थीम ऑफ डिस्गाइज भी है, क्योंकि इसने प्रीस्ट का जो डिस्गाइज किया था किसने, फर्स्ट ने। अब नेक्स्ट में अगर हम देखें यहाँ पे थीम ऑफ मैडनेस, सर एंड्रयू ऑब्जर्व करता है कि सिजारियो से प्यार है ओलिविया को, तो वो उसको चैलेंज कर देता है, तो इसमें मिथरी ऑफ लव का भी थीम बनता है, थीम ऑफ मैडनेस भी बनता है, क्योंकि प्यार में लोग कुछ भी करते हैं और सिजारियो को उसने चैलेंज कर दिया था सर एंड्रयू ने। अब उसके बाद अगर दूसरा थीम हम देखें तो इसका रेफरेंस बनता है क्या थीम ऑफ मैडनेस में सेबेस्टियन कंफ्यूज है कि लोग उससे लड़ क्यों रहे हैं, हालांकि सर एंड्रयू और टॉबी वो सेबेस्टियन समझ के सिजारियो समझ के सेबेस्टियन से लड़ रहे होते हैं, तो ये थीम ऑफ मैडनेस वो समझ रहा होता है, सेबेस्टियन समझ रहा होता है यहाँ के इलेरिया के जो लोग हैं, किंगडम इलेरिया के जो लोग हैं ये पागल हैं। थीम ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी, क्योंकि यहाँ पे सर टॉबी और सर एंड्रयू जो है वो मिस्टेकनली सेबेस्टियन के साथ झगड़ा कर रहे होते हैं, क्या समझ के सिजारियो समझ के उससे झगड़ा कर रहे होते हैं। अब नेक्स्ट है आपका जी थीम ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी, यहाँ पे ओलिविया सेबेस्टियन को आके वो रेस्क्यू करती है, तो सिजारियो समझ रही होती है उसे, तो ये भी मिस्टेकन आइडेंटिटी है थीम उसका।
और थीम ऑफ मैडनेस में ये है कि ओलिविया सेबेस्टियन को कह रही होती है कि मुझसे शादी कर लो, और वो समझ रहा होता है ये पागल हो गई है, मैं तो पहली बार आया हूँ यहाँ पे और मुझे सिजेरियो भी कहे जा रही है और मुझसे शादी भी करना चाह रही है, अजीब औरत है। तो ये मैडनेस का थीम यहाँ पे भी मौजूद है। अब उसके बाद नेक्स्ट है आपका के थीम ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिकल इश्यूज हैं। यहाँ पे सेबेस्टियन ऑब्जर्व करता है कि ये रिच है और ब्यूटीफुल है, इस वजह से वो वहाँ पे क्या कर लेता है, तो शादी के लिए उसे हाँ कर देता है सेबेस्टियन ओलिविया को। अब नेक्स्ट है आपका सेबेस्टियन और उसकी शादी हो जाती है, थीम ऑफ मैरिज है। और उसके बाद है जी आपका नेक्स्ट देखें जी, थीम ऑफ मैरिज है वियोला और जो ऑर्सिनो है ये आपस में शादी कर लेते हैं, थीम ऑफ मैरिज और सर्टाबी और मारिया की भी आपस में शादी हो जाती है, तो ये थीम ऑफ मैरिज है। उम्मीद है।